नोकिया लगाएगी चांद पर पहला 4G सेलुलर नेटवर्क। नासा ने दिया कॉन्ट्रैक्ट। चांद पर पहला सेलुलर कम्युनिकेशंस नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने नोकिया में दिलचस्पी दिखाई है। नोकिया का कहना है कि इसकी नोकिया बेल लैब्स की डिवीजन एक 4G कम्युनिकेशंस सिस्टम तैयार करेगी, जिसे 2022 के आखिर में लूनर लैंडर के जरिए चांद की सतह पर पहुँचाया जाएगा। नासा 14 कंपनियों को आर्टेमिस मून लैंडिंग प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी समेत $37 करोड़ दे रही है। इस प्रोग्राम का मकसद चांद पर लंबी अवधि के लिए मानवीय मौजूदगी को सक्षम बनाना है। यह मंगलवार मिशन्स के लिए एक वार्म अप की तरह है। पिछले सप्ताह नासा द्वारा घोषणा किए जाने के बाद नोकिया ने इस प्रोग्राम में अपने शामिल होने को लेकर अधिक डिटेल्स जारी की। नासा ने ऐलान किया था कि वह नोकिया की अमेरिकी यूनिट को चांद पर पहले सेलुलर नेटवर्क के लिए $1.41 करोड़ दे रही है। नासा क्रियोजेनिक फ्लूइड मैनेजमेंट, लूनर सरफेस इनोवेशन और डेसेंट व लैंडिंग क्षमता में अन्य इनोवेशन की भी फंडिंग कर रही है। नोकिया का कहना है कि चांद पर उसका नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को टास्क के लिए महत्वपूर्ण कम्युनिकेशंस क्षमताएं उपलब्ध कराएगा, जैसे लूनर रोवर्स का रिमोट कंट्रोल, रियल टाइम नेविगेशन, HD वीडियो स्ट्रीमिंग। इक्विपमेंट में बेस स्टेशन, एंटीना और सॉफ्टवेयर शामिल है। इक्विपमेंट को अंतरिक्ष में हार्श लॉन्चेज, लूनर लैंडिंग्स और बेहद मुश्किल हालात का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। चांद पर सेलुलर नेटवर्क की दिशा में नोकिया अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स के साथ साझेदारी कर रही है। इंट्यूटिव मशीन्स को नासा ने स्मॉल हॉपर लैंडर बनाने के लिए चुना है, जो लूनर क्रिएटर्स को एक्सेस कर सकता है और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर चांदी की सतह के हाई रेजोल्यूशन सर्वे कर सकता है। नोकिया के चीफ टेक्नोलॉजी अधिकारी मार्कस वेलडन का कहना है कि भरोसेमंद, रेसिलिएंट और हाई कैपेसिटी कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स चांद की सतह पर लंबी अवधि के लिए मानवीय मौजूदगी को सहयोग देने में अहम होंगे।